गणेश चतुर्थी को भूल कर भी ना करें चंद्र दर्शन। चंद्र दर्शन करने से बड़े संकट में फंसने के आसार। भगवान श्री कृष्ण और नारद से जुड़ी क्या है कथा। जहाँ भी पूजा पाठ होता है, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान गणेश के जन्मदिन के मौके पर गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये पर्व हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। कहा जाता है इस दिन भगवान गणेश की खास कृपा होती है। आज गणेश चतुर्थी है, जाहिर है पूरे देश में भगवान गणेश की पूजा जोरों शोरों से की जा रही है। हर तरफ धार्मिक माहौल नजर आ रहा है। वहीं ज्योतिष में गणेश चतुर्थी को लेकर कई अनुमान लगाए गए हैं, जिनमें से एक अनुमान ऐसा भी है जो कि बेहद डराने वाला है। ज्योतिष के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन भूल कर भी चंद्र दर्शन करना बेहद खतरनाक साबित होता है। सवाल ये है कि अगर चंद्र दर्शन कर लें तो क्या होगा। ज्योतिष के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना पूरी तरह से वर्जित होता है, क्योंकि माना यह जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगने के चांस बनते हैं। जातक पर चोरी तक का झूठा आरोप लग सकता है। इसका जुड़ाव पौराणिक कथाओं से भी है, जिसके मुताबिक ये कथा भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि से जुड़ा है। इन कथाओं के मुताबिक एक बार ऐसा हुआ था कि श्री कृष्ण पर श्यामंतक नाम की एक कीमती मणि की चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद वो बेहद दुखी हो गए थे, क्योंकि ये आरोप झूठे थे। उनकी हालत देखकर नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन किए थे, जिसकी वजह से उन पर चोरी के झूठे आरोप लगे हैं। नारद मुनि ने ये भी बताया था कि ये एक तरह का श्राप भी है। श्राप की कहानी नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को बताई। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश ने एक बार चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के वक्त चंद्र दर्शन करेगा वो अभिशप्त हो जाएगा और उस पर झूठे आरोप लगेंगे। इन आरोपों की वजह से समाज में वो कलंकित होगा। फिर क्या था, श्री कृष्ण ने इस दोष से मुक्ति के उपाय पूछे, जिस पर नारद मुनि ने उन्हें दोष मुक्ति के उपाय के रूप में ये बताया कि वो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। फिर भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया, जिसके बाद वो दोष मुक्त हो सके। यही वजह है कि ज्योतिष और हिंदू धर्म ग्रंथों में गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने की मनाही होती है। फिर भी ज्योतिष में इसका उपाय भी बताया गया है। ये वही उपाय है जो श्री कृष्ण ने किया था और दोष मुक्त हुए थे। यानी कि अगर आपने गलती से भी इस दिन चंद्र दर्शन कर लिए तो गणेश चतुर्थी का व्रत रख कर आप भी दोष मुक्त हो सकते हैं। बता दें कि ये वीडियो हिंदू धर्म ग्रंथों की जानकारी के आधार पर बनाई गई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।